गुड आफ्टरनून गाइस, जैसे आप देख सकते हो मैं अभी फिलहाल डोलारामा के बाहर खड़ा हूँ। ये कनाडा का सबसे चीपेस्ट स्टोर माना जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ $4 से प्लस की नहीं देखेगी, सब कुछ $4 के अंडर ही रहता है। और ये मेरे घर के लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बट मैं यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहा हूँ और पहली बार ही डोलारामा में आया हूँ। सो अभी कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे डोलारामा से, तो वो ले लेते हैं और आप लोग को मैं पूरा टूर दे देता हूँ, बिकॉज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग बोलते हैं ना मैं इंडिया से ये चीज़ मंगा लेता हूँ, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, वो मंगा लेता हूँ, मसाले मंगा लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कितने में पड़ेगा आप लोगों को, और इंडिया से अगर आप लोग मंगाते हो तो आप लोगों को कितने में देना पड़ेगा। सो वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया आएगा आप लोगों को, मतलब कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को कितना प्राइस मिलेगा। नो डाउट मसाले जो रहते हैं गाइस, उनका टेस्ट यहाँ का और अपने इंडिया का उनमें फ़र्क रहता है, बट हर चीज़ अब इंडिया से मंगाने से बेटर है कि ऐसे डोलारामा जैसे स्टोर से आप लोग परचेज़ कर ले, तो आप लोगों को काफ़ी सही भी पड़ेगा और फालतू में मगजमारी भी नहीं रहेगी, मंगाओ ये वो उस सब में। सब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। पहले गाइस हम लोग यहाँ पे ये चमचे और ये सब चीज़ शुरू करेंगे। यहाँ पे प्राइस देख सकते हो आप लोग, $4। ये सारी चीज़ें जो भी आप लोग को दिख रही है वो सारी $4 के आसपास की है। फिर गाइस सारा किचन से रिलेटेड सामान यहीं पे रखा हुआ है वो लोगों ने, और प्राइजेस आप लोग को देखने मिलेंगे यहाँ पे $4, और इनके ऊपर भी $4 करके लिख रखा है, ये $1 के है ये सब। एंड ये ले सकते हो अगर आप लोग मिक्स करने के लिए, काफ़ी सही रहता है ये प्राइजेस गाइज, इनके ऊपर ही रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो $3.50 है, ये $3 का है, ऐसे सारा कुछ यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा। एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अराउंड $2, $3, ये सब $4 के आसपास के है। बाकी ये सैंडविच के रैप्स है गाइज, सील जो करते हैं ना सैंडविच अंदर प्लेस करके, अगर कहीं पे शिफ्ट पे जा रहे हो आप लोग या ऐसा कुछ है तो आप लोग ये ले सकते हो यहाँ से। और इनका प्राइस है $1.25, ये पूरे सील्ड ही पैक्स हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं यहाँ पे। एल्यूमिनियम फॉइल का प्राइस कितना है एक सेकेंड, ये भी $1.25 के आसपास का ही एल्यूमिनियम फॉइल, और ये सारे फॉइल टाइप ही है, मतलब एक बार आप लोग इनके अंदर खाना भर के भी लेके जा सकते हो। इसी तरीके की चीज़ें हैं सारी यहाँ पे, स्टार्टिंग में जैसे आप एंटर करते हो। फिर हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं, और ये फ्लोर मैट्रेसेस है, इनके प्राइस है अप्रोक्स $3 के है फ्लोर मैट्रेसेस। बैग्स है, बैग $4 के आसपास के है, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है गाइस, बिकॉज मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं, एंड तो ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो क्या बोलते क्वालिटी भी बहुत ख़राब होगी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्वालिटी बहुत सही रहती है। और ये गाइस जो बैग्स रहता है ना डस्टबिन बैग्स, इनको आप लोग आपके डस्टबिन के साइज़ के हिसाब से लेना है, यहाँ पे आप लोग को साइजेस लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, तो इनके हिसाब से ही आप लोग बैग्स लेना, वरना फिट नहीं होगा आपके डस्टबिन के अंदर, सो मेक श्योर कि आप लोग ऐसे लेते हो। बाकी इनके प्राइस और ये सब तो गाइस इन्हीं के ऊपर लगा हुआ रहता है, देख सकते हो $2.50 के है सारे, $2 के आसपास के है ये सारे, जितने भी प्लास्टिक बैग्स दिख रहे हैं आप लोगों को। फिर बाकी यहाँ पे तो पूरे टिश्यू पेपर्स और ये सब है, फिर ये सब क्लीन करने के लिए पूरे वाइपर्स वगैरह सारी चीज़ें। अरे हाँ, स्क्रब लेना है हम लोग को, सो मैं 2 स्क्रब ले लेता हूँ, और स्क्रब गाइज यहाँ पे आप लोग को पड़ते हैं $1.25 में, उसके अलावा हमें कुछ लेना नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सॉफ्ट स्क्रबर्स हैं, और ये वाला मेटल का स्क्रब रहता है ना वो है ये वायर टाइप। बाकी ये सब लिक्विड्स है गाइस सारे रिफाइंड, और ये सब आप लोग को पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली $1.75 में, जो ज़्यादा लार्ज वाले रहते हो $3 में पड़ेंगे, बट आपको 4 से ज़्यादा का कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, 1.25 से 4 के आसपास सब आ जाता है। और मेक श्योर गाइस आप ऐसे वाले वाइपर नहीं लेते हो, बिकॉज ये हम लोगों ने पहली बार परचेस किया था तो ये बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है, सो आप ऐसे वाले वाइपर परचेस करें, या फिर हम लोग तो अभी टूटा हुआ वाइपर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उसको फिर से परचेस करेंगे तो टूट जाएगा वो। फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन में चलते हैं गाइस हम लोग, ये भी पूरे लिक्विड्स है लाइजॉल, और ये सारे आप लोग को अराउंड
$3.50 में पड़ते हैं। दीज आर हैंड ग्लव्स, 2.50 इनका प्राइस है। फिर हम लोग आएंगे ये वाले बैग सेक्शन के अंदर। ये वैसे तो नॉर्मल स्टोरेज बास्केट्स है, फ्रूट्स रखने के लिए या ऐसा कुछ रखने के लिए इस तरीके के बास्केट्स है सारे। और ये सब चीज़ें ना कहीं यहीं से लेनी चाहिए, बिकॉज सबसे चीप आप लोग को यहीं पे मिलेगा $2 में। दूसरे जगह पे जाओगे तो आप लोग को ये सब 10-10, 12-12 डॉलर का मिलता है। तो डॉलरामा से ही ये बैग्स और ये सब परचेज करना चाहिए, प्लस लिक्विड्स और ये सब भी हम लोग यहीं से परचेज करते हैं। $3 का आ जाता है। या तो आप कॉस्को, अगर आपने कॉस्को वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से भी आप लोग बल्क में चीज़ें ले सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू बाय सच थिंग्स। ये पूरा लिक्विड का सेक्शन है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैक्स 2.50 से लेके 3.50 डॉलर्स के बीच में ही सब मिलता है। आगे चलते हैं, आगे पूरे स्टोर करने के लिए पूरे कैंस और ये सब है, ग्लास का है ये। एंड ऑल ऑफ दिस इज लाइक $1.50। ये भी पूरा स्टोर करने के लिए है ये सब। ये बॉक्सेस है गाइस, माइक्रोवेविंग है, सारे माइक्रोवेव कर सकते हो आप। एंड इनके प्राइस है अराउंड लाइक $4 के आसपास का है ये डब्बा। ये कंप्लीट स्टोरेज के ही है, पूरे माइक्रोवेव वाले पूरे डब्बे है ये। और सबके प्राइस लाइक 3.50 से $4 के आसपास के है। यू कैन सी 3.50। फिर ये है मग्स, मग्स भी काफी वैरायटी टाइप के है। ये है $2 के आसपास के मग्स है। दीज आर लाइक $3। ये फ्रेशनर है गाइस, रूम फ्रेशनर, और ये सभी $4 के आसपास के है। जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो गाइस, ये शावर कर्टन्स है, शावर के टाइप के जो कर्टन्स रहते हैं ना, वो ये $4 के है। सब $4 का है यहाँ पे, जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं। एंड दीज आर हैंगर्स, $2 के आसपास के हैंगर्स मिलते हैं यहाँ पे आप लोग को। ये सारे यहाँ पे भी हैंगर्स ही है, पूरा हैंगर का सेक्शन है। कुछ $3, $1.25 के बीच में है सारे हैंगर्स और ये सब यहाँ पे। ये भी $4 के आसपास ही पड़ता है आप लोग को हैंगर। और ये सब फ्लोर कारपेट फ्लोर्स और ये सब $4 के है ये सब। जैसे मैंने आप लोग को आगे भी दिखाया, आगे भी $4 का ही था। ये पिलो आप लोग को यहाँ पे पड़ जाते हैं गाइस $4 के। हम लोगों ने ये वॉलमार्ट से लिया था शायद पिलो, जब हम लोग गए थे तब। वो हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली लाइक $6-7 में पड़ा था। बट इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। ये काफ़ी लाइक स्पॉन्जी मटेरियल का है और वो काफ़ी मतलब सॉलिड टाइप का था। मतलब आप अगर सिर रखते हो तो वो नीचे टाइल्स तक जाएगा नहीं, बट दिस इज़ लाइक वेरी सॉफ्ट। सो डिपेंड करता है कि जिसको जैसा अच्छा लगे, बट ये $4 का है। इनकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स को। ये आते हैं स्टोरेज के डब्बे, $3.50 के है ये। इनकी भी शायद कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट आप देख सकते हो। बाकी ये स्टोर करने के लिए है, इसको डस्टबिन के जैसे भी यूज कर सकते हो आप लोग। दीज आर लाइक डस्टबिन्स। और ये है आप लोगों को $3 में पड़ेगा ये डस्टबिन। इसको भी आप लोग डस्टबिन के जैसे यूज कर सकते हो, ये सब सेक्शंस को। छोटे वाले डस्टबिन से गाइस, टिश्यू पेपर के लिए जो डस्टबिन रहते हैं ना, वो है ये वाले। एंड दीज आर अराउंड $2। देन वी गो टू दिस सेक्शन। ये ब्रश है कलर करने के लिए, इनकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हम लोग को। ये हमारा सेक्शन नहीं है तो मैं स्किप कर देता हूँ, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सब लोग, ये सब डस्टबिन का सेक्शन है गाइस, ये वाला पूरा। ये बाल्टी वाल्टी अगर आपको लेनी है तो $4 में पड़ता है ये। ये हमारे घर में है वैसे, बट ये ओनर ने प्रोवाइड किया है, हमने परचेज नहीं किया है। और ग्लव का सेक्शन यहाँ पे है। अगर आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हो या वहाँ काम करते हो जहाँ पे आप लोगों को ग्लव ज़रूरी है, तो आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो। $3, $4, $1.50 में पड़ेगा आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर आप लोग ये सब $1 से ही परचेज करते हो, ग्लव्स और ये सब चीज़ें। देन कम्स कारपेट हमारे $4 के है। ये सारे यहाँ पे का इस $4 का ही है कारपेट और ये सब यहाँ पे। देन दीज आर लाइक पिलोज, ये कितने के है? ये भी $4 के है, ठीक ठाक क्वालिटी के है। आप लोग यहाँ से भी परचेज कर सकते हो, आप वॉलमार्ट से भी ले सकते हो अगर लेना है तो आप लोगों को।
बाकी का ये किचन में अगर आपको ऐसा कोई टॉवल या वैसे कुछ लेना है तो $2.50 का आता है, बट ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फेस्ट मटेरियल का जो क्लॉथ रहता है उसको भी यूज़ कर सकते हो किचन के लिए। यहाँ पे मेन गाइज आप लोग लिक्विड्स, देन मैंने हैंड ग्लव्स आप लोग को बताए, देन किचन का कोई भी सामान रहता है ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हो। दीज आर टेप्स, टेप भी आपको $2 में मिल जाएगा यहाँ पे, ये $2 का है। छोटे वाले टेप्स जो है वो $1.25 के है। अलग अलग साइज़ के टेप्स है, जो आपको सही लगता है वो आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बल्ब है, बल्ब भी यहाँ से आप ले सकते हो, $1.25 का पड़ेगा। बाहर कहीं भी जाके लोगे तो यही चीज़ आप लोगों को $5 से $6 के आसपास की पड़ेगी। ये अलग अलग बल्ब है वाइट, और मेक श्योर गाइस आप लोग वाइट बल्ब लेते हो, येल्लो वाले नहीं लेते, बिकॉज येल्लो वाले थोड़े डिप्रेसिंग टाइप के रहते हैं। सो अगर वाइट बल्ब लो तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये सब यहाँ पे है, ये आपको पड़ेगा अराउंड $4 में। बाकी का बल्ब बल्ब गाइस आपको $3 से $4 के बीच में पड़ेगा। यहाँ पे सबका प्राइस $3 से $4 के आसपास ही है। फिर गाइस ये वाला जो सेक्शन है ये चॉकलेट्स वाला है, बट मैं रिकमेंड करूँगा चॉकलेट्स आप यहाँ से मत लो, ठीक है, कॉस्को से या फिर आप लोग वॉलमार्ट से, ये सब जगहों से ही ये सब चॉकलेट्स ये सब लिया करो। यहाँ से मीनिंग नहीं बनता है, इतनी चॉकलेट्स आप लोग को $1 में दे रहा है, को वहाँ पे बल्क में बहुत सारी चॉकलेट्स एक पर्टिकुलर अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। फिर ये भी पूरा चॉकलेट का सेक्शन ही है, बट चॉकलेट्स मैं रिकमेंड नहीं करता, तो मैं इतना अभी डीप जाऊँगा नहीं चॉकलेट्स में। फिर ये सब तो हमारे कुछ काम का नहीं है, आगे चलते हैं। फिर से ग्लव्स आते हैं गाइस यहाँ पे, ये भी $4, $2 के आसपास के ग्लव्स है सारे यहाँ पे, ये भी $2, $3 के आसपास का पड़ेगा ये सब, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन कम्स ये सब यहाँ पे आप लोग को $4 का पड़ेगा, ये भी $4 का है, ये भी गार्डनिंग का स्टफ है गाइस, ये पूरा गार्डनिंग में आती है ये सारी चीज़ें, तो ये $4, $3 के आसपास का है यहाँ पे, उससे कम आप लोग को नहीं मिलेगा $2 के आसपास का। देन कम्स ये सब डेकोरेशन के लिए है अगर आप लोग को चाहिए, एंड आई थिंक इनका प्राइस $4 का है, ये फोर का है, ये सारा फोर का है, ये जो जितना भी रो दिख रहा है आप लोग को ये सब $4 में पड़ता है, डेकोरेशन करने का स्टफ़ है ये सारा। और ये सब यहाँ से ले सकते हो बिकॉज ये सस्ता भी पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे $2-3 में मिल जाएगा ये सब आप लोग। दीज आर ग्लव्स, इनके प्राइस लिखे नहीं है यहाँ पे, पूछना पड़ेगा आगे कितने का है ये। बाकी के ये सारे ग्लव्स है गाइस, 1.50 का ग्लव पड़ता है, ये हैंड ग्लव्स है सारे, ये भी पूरा डेकोरेशन का सामान ही है यहाँ पे भी, $2-3 के आसपास पड़ता है, ये पूरा सेक्शन ही डेकोरेशन के लिए है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ये हैंगर्स है गाइस, सो हैंगर्स आप लोगों को यहाँ पे $2.50 में पड़ जाते हैं। सो हैंगर्स ये सब चीज़ें यहाँ से ले सकते हो आप लोग, इतने सारे हैंगर्स आप लोगों को, लाइक 4 हैंगर आप लोग को $2.50 में पड़ेंगे, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा आप ये सब चीज़ें कॉस्को से ले, बल्क में बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा आप लोगों को। देन कम्स वाटर स्प्रिंकलर्स है ये, देन ये सब चीज़ें कुछ काम की नहीं है। ये कैप्स है, कैप्स आपको $2 के हैं यहाँ पे, ये सब डेकोरेशन के, ये सब पता नहीं कौन सा सामान है, दिख समझ ही नहीं आ रहा है। ये मग्स है पूरे प्लांट्स के लिए वगैरह चीज़ों के लिए, ये सब बड़े बड़े मग्स है। टी शर्ट्स हैं यहाँ पे, बट टी शर्ट का बहुत छोटा है, दो बहुत ही एक ही मॉडल के टी शर्ट्स हैं यहाँ पे, एंड दीज आर लाइक अराउंड $4 के है, आप देख सकते हो। फिर स्लीपर्स है, स्लीपर्स यहाँ से ले सकते हो गाइस, घर में पहनने के लिए जो स्लीपर्स रहते हैं ना वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, $4 के स्लीपर पड़ते हैं आप लोग को, $3-4 के आसपास के स्लीपर्स है सारे, फीमेल मेल, ये फीमेल्स का है एंड ये वाला सेक्शन मेल्स का है। सॉक्स आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पे, सॉक्स सही रहते हैं गाइस, $3 में इतने सॉक्स मिलेंगे आप लोगों को, बट ये भी मैंने जैसे आप लोग को बताया था कॉस्को पे बहुत सही प्राइस मिल रहा था ये सब चीज़ों का, तो कॉस्को से ही सॉक्स ले, बल्क में आप लोग को बहुत सही प्राइस, $6-7 में आपको बहुत 30-40 सॉक्स के पेयर आएंगे, और यहाँ पे आप देखो $3 में आपको खाली 2 पेयर आ रहे, तो वो सब कुछ कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हो, कुछ कुछ कॉस्को वॉलमार्ट ये सब चीज़ें प्रेफर कर सकते हो। फूड तो गाइस मैं आप लोग को स्ट्रांगली कॉस्को से ही रिलेट करूँगा, बिकॉज कॉस्को में आप लोग बल्क में फूड ले सकते हो, बट यहाँ के स्टिल आप लोग प्राइसेस देख सकते हो। ये मिल्क स्नैक है, $2 के आसपास का पड़ेगा आप लोगों को, ये पूरा चॉकलेट का सेक्शन है, चॉकलेट्स आप लोग को $2-1.25 में आप लोग को मिल जाएगा, सारे $2, $2.50, $3 के आसपास का है पूरा, जितना भी आप लोग को देखने मिल रहा है। $3 से ऊपर का कोई भी चॉकलेट का पैकेट नहीं है यहाँ पे, मैंने सारे देख लिए। फिर आते हैं हमारे
पॉपकॉर्न्स, पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न हाँ $1.50 में आप लोग को पॉपकॉर्न पड़ेगा। देन लेज है ऊपर, वो भी 1.75 में है, बल्क क्वांटिटी बहुत कम रहेगी गाइस, $1.75 के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। प्रिंगल्स है, मैं इंडिया में बहुत खाता था, ये $2.50 के है ये सारे। मैन फ्राइज है यहाँ पे गाइस, लेज है, पॉपकॉर्न्स है। पॉपकॉर्न को तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, मैं कॉस्को से पॉपकॉर्न के पैकेट्स लाया था, ठीक है, लाइक अराउंड $6 में 40+ पैकेट्स आया पॉपकॉर्न के, तो वो सब चीज़ें तो आप वहीं से लें, कॉस्को ही रिकमेंड करूंगा। फिर ये चिप्स है, ये भी यहाँ से लेने का मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। फिर आगे जाते हैं, ये सब $2 $1.5 इसके इर्द गिर्द ही है, ये $3.50 का है। डोरिटोज हमारा $2 के आसपास का है, यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है $2। देने कुकीज़ है, ये भी $2 $3 के आसपास के, ये सारे ये केक्स है गाइस, ये हम फ्री फूड में गए थे ना तो वहाँ पे मिले थे हम लोग को ये वाले केक्स, तो काफ़ी क्वांटिटी में है तो हम लोग वही खाते हैं, बट ये $1.50 में पड़ता है आप लोगों को। ये पूरा खाने का सेक्शन ही था जितना मैंने आप लोग को दिखा, और $3 से ज़्यादा का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, $2-3 के आसपास। ये हम लोग को फ्री फूड में मिला था मिनी वीट्स करके, बट अच्छा नहीं लगा था हम लोग को, सो उसके बाद हम लोगों ने बाहर रख दिया था, अगर किसी को खाना हो तो ले जा सकता है। बाकी दीज आर जूसेस, ये भी यहाँ से ना ले आप, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए, बिकॉज ये वीडियो में आपको सारा पता लगना चाहिए कितने में क्या मिल रहा है। $1.25 में आप लोग को ये सब यहाँ पे मिलेगा, $1 $1.25 मैक्स, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक $1.25 के ऊपर। बट ये सब चीज़ें आप लोग कॉस्को से ले, बल्क में अच्छा आएगा आप लोगों को। देन आगे चलते हैं हम लोग, दीज आर लिक्विड्स, ये $2.50 के आते हैं, ये भी यहाँ से मत लेना, ठीक है, ये आप लोग फ्रेशको से ले सकते हो, फ्रेशको में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा आप लोग को, इससे कम प्राइस में मिलेगा। ये बर्तन धोने का साबुन है, ये पूरा लिक्विड है बर्तन धोने के लिए। ये ग्लव्स है, ग्लव्स हर एक सेक्शन में है, यहाँ भी थे वहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ भी है, सर ग्लव्स है और सारे अराउंड $2.50 के ही है। ये सेक्शन है गाइस पिकल्स का, सॉसेस का, एंड देन थोड़ा बहुत फूड भी है इसके अंदर। तो पिकल और ये सब चीज़ें हम कहते हैं ना, हम लोग इंडिया से मंगा लेते हैं बल्क में बहुत सारा, तो आप इंडिया से पिकल्स ना मंगाए, बिकॉज आते आते पता नहीं वो कितना सेफ रहेगा पिकल, जब आप इंडिया से मंगाते हो कितने में पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे अगर आप लोग बहुत सारे लोग साथ में रहते हो तो कॉस्को से आप लोग पिकल्स और ये सारी चीज़ें ला सकते हो, बट वो टेस्ट नहीं आएगा, आई एम 100% श्योर आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको इंडिया में मिलता है। ये बीन्स है गाइस, मुझे तो पसंद नहीं आया फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ये फ्री फूड में हम लोग को मिला था, सो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ये, बट ये यहाँ पे आप लोग को पड़ेगा $1.25 में। कॉर्न है, दिस इज $1, और ये बेस्ट है गाइस पास्ताज, ठीक है, ये हमारे घर में बहुत सारे पैकेट्स पड़े हुए हैं इसके, ये पड़ेगा $1.25 में, हम लोगों ने खरीदा नहीं है, सब फ्री फूड का है हमारे पास जो पड़ा है वो, तो ये एक बार ट्राई करना अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो तो, इसके पास्ता वाइट सॉस पास्ताज बहुत बेस्ट बनते हैं, सो डू ट्राई। और ये सब यहाँ पे पास्ता का सेक्शन है, चिकन है ये सब, ये सूप है, सूप भी आप लोग को $1.25 में मिलेगा। देन कम्स पिज़्ज़ा सॉसेज है यहाँ पे, राइस है, राइस यहाँ से नहीं गाइस, क्वांटिटी बहुत कम है, $2 में आपको सिर्फ इतने मिल रहे हैं, हम लोग $2 में बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी आप लोग को मिल जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए डॉलर अमान नहीं है, बट आप लोग देख लें यहाँ पे $1.75 $2 के आसपास का पड़ेगा आपको ये सब, सब सॉसेज पिकल्स और ये सभी है यहाँ पे, $2 के आसपास है, कि जितना भी दिख रहा है आप लोग को $2 में है सब। फिर हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे बिस्किट्स है, दिस इज़ लाइक $1, ये टेस्ट नहीं किया है मैंने कैसा है, ट्राई कर सकते हो अगर आप लोग को, फिर कमेंट करके बताना मुझे कैसा लगा आप लोगों को। ये पूरा डेकोरेशन का सामान है, ऑल ऑफ दिस स्टफ, सो डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें आप लोग ले सकते हो यहाँ से, $2 $3 के आसपास का पड़ेगा आप लोग को। सब डेकोरेशन का सामान था गाइस वहां पे, और कुछ नहीं है। देन कम्स ये सब बुक्स का सेक्शन है, देख सकते हो ये सब यहाँ पे आप लोगों को पड़ेगा $3 के आसपास का, $2 का, $1 का, $4 का कुछ भी बुक नहीं है, सिर्फ $2 $3 के आसपास के है यहाँ पे बुक्स। ये सब
बच्चों के सामान है, सारे छोटे बच्चों का सामान है, देन पेन स्टैंड है यहाँ पे, पेन स्टैंड और ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हो गाइस, $1 का पड़ेगा, $1.5 का पड़ेगा, चलता है ये सब इतना यहाँ पे, दिस इज़ ओके अगर आप लोग यहाँ से परचेज करते हो तो। ये वाला $2.50 का है पेन स्टैंड, ये तो मैं इंडिया से ही लेके आया था गाइस। अगर कुछ भी चीज़ आप लोग को लाइक आप डेली नोट्स लिखते हो या फिर कुछ भी चीज़ आप लोग को मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं क्या करना है आज के दिन में, तो ये मैं सब ये इंडिया से ही लेके आया था, ये सब यहाँ से परचेज मत करना बिकॉज ये $2.50 का पड़ेगा ये, पर इंडिया में आप लोग को यही चीज़ $30 में $40 में मिलेगा, सो इट्स ऑफ नो यूज़ ये सब चीज़ें यहाँ से परचेज करना। प्लस पेन स्टैंड भी यहाँ से मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, इंडिया से ही लेके आओ तो ठीक है, वरना आपको ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ों की। देन रबर्स और ये सब तो परचेज कर सकते हो, $1.25 का है, बट हम लोगों ने अभी तक तो कुछ ऐसा परचेज किया नहीं है यहाँ से। फाइल वाइल ये सब इंडिया से लेके आया था मैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, $4 की फाइल है गाइस, ठीक है, तो ये इंडिया में आप लोगों को यही चीज़ $125 में मिल जाएगा, तो आप लोग वहीं से ले सकते हो। देन ये फिर बच्चों का सामान, बच्चों के खेलने की जगह है ये, फिर आगे चलते हैं, ये बुक्स है, $4 का बुक है ये, फिर ये भी $4 के आसपास का है, बुक्स का सारा सेक्शन का $3-4 का है। पेन वैन मैं सब इंडिया से ही लेके आया था, यहाँ से मैंने कुछ भी लिया नहीं है, मैंने अराउंड लाइक ऐसे 3-4 पैकेट्स है मेरे पास, ये सब मैं इंडिया से ही लेके आया था। अराउंड कितने का है ये, $1.50 का है, तो ये इंडिया से ही ले लो, सस्ता पड़ेगा आप लोग को इंडिया से लेके आते हो, और बुक्स बुक्स भी आप लोग इंडिया से ही लेके आओ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाले देख सकते हो आप, सारे बुक्स का सेक्शन है ये वाला पूरा, ये पूरा गाइस स्टेशनरी का सामान है जितना भी दिख रहा है, कलर पेपर्स है, देन अलग अलग कलर पेंसिल्स है और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें तो इंडिया से ही लेके आओ तो ज़्यादा सही रहेगा। $2 का भले है बट इंडिया में आपको इससे भी सस्ता पड़ेगा, तो बैग में डाल के लेके आओ। बाकी का ये सारा बुक्स है। देन आते हैं हम लोग हमारे लास्ट वाले सेक्शन में, उससे पहले गाइस ये है लिक्विड्स, हमारे वॉशिंग मशीन में डालने वाले लिक्विड्स है सारे कपड़ों के लिए, बट ये सब चीज़ें हम लोगों ने कॉस्को से लिया है। आपको बहुत बड़ी बड़ी मतलब ऐसे वाले डब्बे मिल जाएंगे और $6 में ऐसे पड़ेंगे, तो ये आपको इतना सा डब्बा $3.50 का है, तो इतना तो 917 ml है, ठीक है, तो ये यहाँ से मत परचेस करना, कॉस्को से ये सारी चीज़ें परचेस किया करो। फिर हम लोग आते हैं हमारे प्लास्टिक स्पून्स, प्लास्टिक फोक्स और ये सब है, ये सब आप लोग को यहाँ पे पड़ेगा $1.25 के आसपास। देन हम लोग जाते हैं हमारे प्लास्टिक मग्स है, कप्स है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, हम लोग तो वैसे भी कप में ही पीते हैं कुछ भी है, तो प्लास्टिक वाली कोई चीज़ की हमारे काम की नहीं है, बट स्टिल ये $3 का है ये वाला, दिस इज $1.25। ये आप देख सकते हो बैग्स है नॉर्मल, ये सब $2-3 के आसपास का है ये सब। फिर आगे जाते हैं, ये प्लेट्स है, कुछ प्लास्टिक प्लेट्स है, और ये पड़ेगा आप लोग को $4 के आसपास का है ये सब, $4 में है। अलग अलग टाइप की वैरायटी चीजें है गाइज, ठीक है। देन ये टी शर्ट्स है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, डेकोरेशन का सामान है, फ्लावर्स है, ये सब है। ये कितने का है, अराउंड वन सेकेंड, ये $1.25 का है, अलग अलग है, इनके प्राइसेस अलग अलग है, $1.25 का है, ये $3 का है, ऐसे ऐसे प्राइसेस है। बट ये जो भी कुछ आप लोगों को दिख रहा है गाइस, लेस के पैकेट्स हो, डोरिटोज हो, ड्रिंक्स है, ये सब मैं आप लोगों को कॉस्को से लेने को ही बोलूँगा, यहाँ से मत परचेस करना। नो डाउट प्राइसेस इनके $3.50 है, बट इतनी क्वांटिटी $3.50 में एक्सपेंसिव ही है, सो ये सब तो आप लोग यहाँ से परचेस करना ही मत। ये चॉकलेट्स है सारे, ये बैटरीज गाइज आप लोग को डोलारामा में सही पड़ता है, यहाँ पे आपको $2.50 में सिर्फ दो आ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को बल्क में आएगा $3-4 में बहुत ज़्यादा आएंगे। फिर ये सारा चॉकलेट का सेक्शन है, अभी बिलिंग करा लेता हूँ फिर बाहर मिलता हूँ आप लोगों से। ये भी पूरा वही सेक्शन है जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता यहाँ से परचेस करने के लिए। तो ये था गाइज डोलारामा का वीडियो, ठीक है, मैं डोलारामा से आप लोग को कुछ ही चीज़ें लाने के लिए रिकमेंड करूँगा, जैसे मग्स हो गए, किचन के लिए कुछ क्लीनिंग का सामान हो गया, फिर स्टोरेज करने के लिए कुछ सामान हो गया, या इस तरीके की कोई चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें आप लोग डोलारामा से ला सकते हो। अगर आप लोग 7 लोग 8 लोग रहते हो तो डोलारामा रिकमेंड नहीं करूँगा मैं आप लोगों को,
मैं आप लोगों को कॉस्को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वहां पे आप बल्क में चीजें ला सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरा कॉस्को वाला वीडियो नहीं देखा है तो डू चेकआउट, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और डोलारामा से अगर आप लोग अकेले रहते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोग डोलारामा से ला सकते हो। तो मैं तो कहूँगा फिर आप डोलारामा ही जाओ, बिकॉज मेरे घर से 15 मिनट लगता है। तो डोलारामा से जाके अगर आप अकेले रहते हो या इंडिविजुअली अगर आप लोग खाना बनाते हो इस तरीके का है, तो अपना सामान खुद यहाँ डोलारामा से आप लोग को सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू आप कहीं और जाओ। बट अगर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कॉस्को इज़ बेस्ट, या तो वॉलमार्ट से भी आप लोग और चीज़ें ला सकते हो। बट चॉकलेट्स, खाने की कोई भी चीज़ आप लोग डोलारामा से मत लेना, क्वांटिटी बहुत कमाएगी और $1-$2 आप लोग को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आप लोग फ्रेश को है ये सब जगह से ही लेके आओ। मिल्क हो गया, ये सब आप लोग यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट है ये सब जगहों से आप लोग लेके आओ, तो एक ही प्राइस है हर जगह पे, मिल्क का प्राइस तो एक ही रहता है, तो आप लोग वो तो सब चीज़ें यहाँ वहाँ से ले सकते हो। तो खाने के अलावा किचन से रिलेटेड ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ से ला सकते हो। स्टेशनरी वेशनरी मैं तो इंडिया से ही रिकमेंड करूँगा, मैं खुद इंडिया से ही लेके आया था, तो मैं आप लोग को इंडिया ही बोलूँगा। इंडिया से अगर आप लोग आ रहे हो तो वहीं से लेके आओ, और अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो तो अगर कॉस्को जाने का हो रहा है तो वहाँ से बल्क में लेके आ जाना, या तो अगर अर्जेंट इमरजेंसी लेना है आप लोग को तो डोलारामा से ले सकते हो। सो ये था गाइस पूरा वीडियो डोलारामा के ऊपर, मैंने जितना कुछ मैं दिखा सकता था मैंने दिखाया डोलारामा के बारे में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, सो मुझे पता लगे कि मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे करने चाहिए मेरे वीडियोस में। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना MrPatel908 पे। सो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।